कैसे हैं दोस्तों, वेलकम करते हैं आपका न्यू ब्लॉग में। अभी जो है हम फतेहपुर आए हुए हैं, फतेहपुर के मस्जिद में, ठीक है। तो हमने सोचा कि थोड़ा वहाँ नमाज भी पढ़ लेंगे, आज जुमा है, और घूम भी लेंगे, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो है आपको पूरा गांव घुमाएंगे, फतेहपुर और साथ साथ में बरियारपुर भी, ठीक है ना, क्योंकि आज घूमने के मूड में, इसलिए थोड़ा सा बनठन के निकले, ठीक है। तो चलते हैं, मेरे साथ आदिल भी, हमेशा करो आदिल भी, आ जाओ, हाय करो, ठीक है। रहे हैं, ठीक है, आपको गांव घुमाते हैं। अभी आदिल आ गया है, जैसे कि आपको पता ही है आदिल हमेशा मेरे साथ रहता है, ठीक है। और अभी हम फतेहपुर से निकले हैं बरियारपुर, ठीक है ना, पुल पर, और आपको दिखाएंगे यहां पर पानी जो है, पोखर जिसको बोल सकते हैं हम, नदी है एक, ठीक है, छोटा सा पोखर है, वो आपको दिखाएंगे, ठीक है। देखिए हाँ, फतेहपुर का जो पोखर है, छोटा सा नदी तो क्या कह सकते हैं, मतलब कि पोखर है, ठीक है। हम आ चुके हैं, अभी हम यहाँ पर उतरेंगे साइकिल, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं आदिल जो है खड़ा है, ठीक है, साइकिल लगाई हुई है हमने। और यहाँ पर जो है अभी हम फतेहपुर जाते वक्त जो एक छोटा सा पुल है, और वहाँ पे जो है एक तालाब है, वहाँ पर हम जो है खड़े हैं अभी, ठीक है। आपको पूरा सीन हमको आपको दिखा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पास में जो है एक स्कूल है, मॉडल स्कूल, और पुराना स्कूल और नया स्कूल जो बना है उसको मॉडल स्कूल बोला जाता है, ठीक है। देखिए जो बड़ा वाला दिख रहा है आपको, ठीक है, बड़ा वाला दिख रहा है वो मॉडल है, मॉडल स्कूल के नाम से, और बाकी जो है पुराना वाला स्कूल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको दिखा रहे हैं, ठीक है ना, और बाकी इस साइड भी है, देखिए सड़क है बीच में, आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये बीच में जो है सड़क है, और यहाँ पर चारों तरफ हरियाली, और साथ में देखिए यहाँ पर इस साइड भी पोखर है, ठीक है। अभी मैं और आदिल, ठीक है, अभी आपको ले चल रहे हैं बरियारपुर, ठीक है, नहीं पहले मैं आपको ले चलूँगा, स्कूल है ना मॉडल, है ना आसिफ, तो अभी हम स्कूल दिखाएंगे, वो वाला जो है स्कूल, ठीक है। चलिए आपको चलते हैं, फिर लेके चलते हैं उसके बाद वहाँ पर, चलिए हम आपको ले चलते हैं मॉडल स्कूल। सदानंदपुर का बहुत ही बड़ा ग्राउंड है, और मॉडल स्कूल जो कि काफ़ी मॉडर्न लोग पढ़ने आते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए ये सामने का रास्ता, और हम लगभग स्कूल जो है पहुंच गए हैं, ठीक है, यस हम लगभग पहुंच चुके हैं स्कूल। चलिए आपको स्कूल दिखाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा घुमाते हैं आपको, ठीक है। हम मैदान में जो है, ग्राउंड में जो है एंटर कर चुके हैं, ठीक है, ठीक है। पुराना वाला स्कूल है, आप देख सकते हैं, राजकृत उच्च विद्यालय सदानंदपुर, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये पूरा जो है स्कूल पुराना वाला है, ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ ये नया वाला स्कूल है, ठीक है, ये पूरा नया स्कूल है, और इसी स्कूल में जो है आदिल भी पढ़ा है, और पिछले साल ही जो है आदिल पास करके निकला है स्कूल से, ठीक है। पूरा स्कूल मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, ये पुराना वाला है, ठीक है। पूरा फील्ड जो है काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा फील्ड है, ठीक है, यानी कि ग्राउंड है, ठीक है। लखन का जो है ढाबा है, यानी कि वहाँ पर जो लिट्टी काफ़ी स्वादिष्ट बनाया जाता है, ठीक है ना, वहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और अक्सर जो है हम गांव से दूर यहाँ पर लिट्टी खाने भी आते हैं। फील्ड मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ, ठीक है, बहुत ही बड़ा फील्ड है, यहाँ पे टूर्नामेंट भी होता है, यानी क्रिकेट का टूर्नामेंट भी होता है, और आदिल जो है यहाँ पर अक्सर खेलने आता है फुटबॉल क्रिकेट, ठीक है ना। और मैं काफ़ी बार जो इस पर गुस्सा भी करता हूँ कि भाई तू मेरे साथ नहीं रहता है, वहाँ पर चला जाता है ऐसा वैसा, ठीक है, ठीक है। तो फिलहाल जो है अब आपको मैंने दिखा दिया है पूरा डिटेल के साथ, ठीक है, तो अब चलते हैं। अब देखिए वहाँ पर एक, मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पर जो है एक दुर्गा, मतलब कि दुर्गा का मंदिर है, यानी कि दुर्गा स्थान जिसको बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे दिखाते हैं, देखो वो वाला, ठीक है, चलिए आपको दिखाते हैं दुर्गा स्थान, ठीक है, जो कि यहाँ पर हर साल जो है मेला लगता है, ठीक है, और वहाँ पर पूजा होती है, काफ़ी भीड़ जो है पूरे सदानंदपुर के जितने भी, मतलब कि श्रद्धालु जिसको बोल सकते हैं, मतलब कि जो भक्ति में पूरा जो है विभोर होते हैं, वो जो है यहाँ पे पूजा करने आते हैं, ठीक है। तो आपको दिखाते हैं, चलिए, और हमारे साथ जो है आदिल हमेशा की तरह, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सामने का ये पूरा जो है सीन आपको दिखा रहे हैं, सामने का ये जो है ढाबा, ठीक है,
लखन ढाबा जो मैंने आपको बताया था वीडियो में, ठीक है। ये ठीक है, यहाँ का सीन आप देखिए, ये लखन ढाबा है, ठीक है। और ये जो है मंदिर दुर्गा स्थान, चलिए आपको पास जाके बताते हैं, ठीक है, वहीं पे हमने जाना। ये देखिए, ये है पूरा मंदिर, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा मंदिर है, अभी बन रहा है, कंस्ट्रक्शन चालू है, ठीक है ना। और ये जो है जिसको बोलते हैं हम, ये गांव का जो है मेन ढाला है, ठीक है। यहाँ पर जो है हम अक्सर आया करते हैं और घूमने के लिए, और यहाँ पे जो बड़े बुजुर्ग चाय पीने के लिए भी आते हैं। चलिए आपको दिखा देते हैं, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये है ओपिंदर ढाला, बहुत ही फेमस, इस सदानंदपुर गांव का फेमस ढाला है, बहुत ही पुराना ढाला है, ठीक है। यहाँ पर जो है अक्सर जो है बड़े बुजुर्ग आके चाय वगैरह पीते हैं, ठीक है, और हम भी जो है यहाँ पर अक्सर आते हैं। और यहाँ पर जो है नीचे जो है सड़क है स्कूल जाने का, और ग्राउंड है, मैंने आपको दिखाया हुआ है, ठीक है ना। फिलहाल जो है चलते हैं बरियारपुर की तरफ, हमने वहाँ जाना है। बरियारपुर का रास्ता है, ठीक है, और दोनों तरफ जो है पेड़, और बीच में हम चल रहे हैं सड़क पे, लेकिन आपको दिख नहीं रहे ना, हम साइकिल से थोड़ा आगे लेके चलते हैं, और वहाँ से थोड़ा सा फ़ोटो शूट भी हम करेंगे उसके बाद। तो फ्रेंड्स रास्ता जो है काफ़ी ख़राब है, ठीक है, आपको दिखाता हूँ, ठीक है। रास्ता काफ़ी ख़राब है और जगह जगह गड्ढे पड़े हुए, ठीक है ना। गांव की सड़क है तो ऐसी लगभग होती है, ठीक है। गांव का जो है प्रमुख जोमा ढाला जिसको बोल सकते हैं हम, ठीक है। ये तो फ्रेंड्स हम जो है डोमा ढाला पे खड़े हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा आगे है, और यही जो है रास्ता, मतलब बरियारपुर बरियारपुर राहतपुर ये जाता है, ठीक है ना, दरियापुर, ठीक है ना। और रास्ता जो है काफ़ी ख़राब है, ठीक है। और यहाँ पे पीछे आपको दिख रही है क्या, एक पोखर जैसी, नदी जैसी आपको दिख रही है, ठीक है ना, पोखर है ये, यही वाला पोखर मैंने आपको उस तरफ से दिखाया था, ठीक है, यही वो पोखर है, ठीक है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से, ठीक है, ये वाला जो पोखर है, ठीक है। चलिए हम आपको, आदिल जो है ना कभी बोलता नहीं है, ठीक है ना, इसको मैं बोलता हूँ यार बोलने के लिए, ठीक है ना, तो ये बहुत ही शर्माता है, चलिए इसको आदत पड़ जाएगी। ये पोखर है, ठीक है, देख सकते हैं पूरा सीन आपको दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब आदिल बोल रहा है चलो बैठो बैठने के लिए बोल रहा है, चलिए ठीक है बैठ जाते हैं और थोड़ा सा आगे चलते हैं। चंडिका स्थान, तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं चंडिका स्थान, ठीक है। सदानंदपुर का जो है ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही प्रमुख मंदिर जिसको बोलते हैं चंडिका स्थान, बहुत ही मेन टेम्पल, ठीक है, चंडिका स्थान टेम्पल, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं, ठीक है, ये है चंडिका स्थान का मंदिर, ठीक है। आई होप आपको जो ये व्लॉग अच्छा लग रहा होगा, मज़ेदार लग रहा होगा, और आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये देखिए चंडिका स्थान मंदिर है ये, ठीक है, और यहाँ से जो है नीचे जो रास्ता दिख रहा है आपको, ये जो है कब्रिस्तान का रास्ता है, ठीक है। आप थोड़ा सा हम आगे जाएंगे उसके बाद फिर आपको कैसी चीज़ आपको मैं सीन दिखाता हूँ, देखिए मैं और आदिल हमेशा की तरह, ठीक है ना, और मेरे बाल बड़े हैं उस तरफ मत जाइएगा, ठीक है ना। लेकिन देखिए सीन, देखिए क्या सीन है ना। अभी हम जो है हमारे पीछे जो है खेत है और सरसों वगैरह लगे हुए, और ये सीन है पूरा यहाँ पे, ठीक है, दिखा सकते हो मैं, ये देखिए, ठीक है ना, मेरे साथ आदिल, ठीक है ना। अभी हम जो है चलने वाले हैं सीधा बाजार जाएंगे, मार्केट जाएंगे, ठीक है, उसके बाद फिर मार्केट से आएंगे और शॉप पर जाएंगे, जैसे को पता होगा कि शॉप हमारी है, ठीक है ना, तो फिर चलते हैं अब रेडी। फास्ट फास्ट फास्ट। तो फ्रेंड्स हम जो है अब साइकिल जो है आदिल ले रहा है, अब ताला खोलेगा उसके बाद जो हम चलेंगे मार्केट, ठीक है ना। और खुशी की बात ये है कि इसमें ताला इसने लगाया ही नहीं था, ठीक है, फिर ठीक है, फिर हम चलते हैं।
फाइनली जो है अब चलते हैं मार्केट, ठीक है, मैं और आदिल, ठीक है। तो उसके बाद वहाँ पर हमको थोड़ा सा काम है, कुछ सामान लेना है, उसके बाद हम फिर घर आ रहे हैं। जो है बाजार में है और यहाँ पर जो है अभी हम लिट्टी और समोसा खाएंगे, ठीक है। तो लिट्टी और समोसा जो है हमारा आज का लगभग बार लिट्टी और समोसा, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है लिट्टी और समोसा का मज़ा कुछ होता है, और ये देसी चटनी है, ठीक है, सरसों की चटनी, और उसके बाद लिट्टी और समोसा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो पहले हम खा लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं।